हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है और आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, तब आपको जरूरत पड़ती है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना। सही तरीका क्या है और कैसे हम अपने एडसेंस को क्रिएट करते हैं और उसके बाद लिंक करते हैं। कई सारे यूट्यूबर बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है। बट दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली, 2020 में YouTube स्टूडियो में कैसे हम अंडर रिव्यू में भेजते हैं या फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, सब कुछ सही और बेस्ट तरीका मैंने बताया इस वीडियो में। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे प्यार से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। 2020 में मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने के लिए आगे हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन भाई का, जिन्होंने टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल पे विश्वास किया और अपना एक्सेस हमें दिया। याद रखने वाली बात है कि हम इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल करते हैं तब भी हम किसी का एक्सेस लेता है, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी ओनली एक ही है और कोई आईडी नहीं है। अब बात करते हैं काम की। मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इस तरह का ये इंटरफेस होता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है और यह है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत होती है और 4000 घंटे की जरूरत होती है। जब आपके पास ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो यहां पे ग्रीन का निशान आ जाता है और यहां पे भी टिक का और ग्रीन का निशान आ जाता है। अब हम यहां पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहां पे क्लिक कर दीजिए अप्लाई नाउ पे। अप्लाई करने के बाद में इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहां पे 3 स्टेप होते हैं। पहला, कि जो आपका पार्टनर प्रोग्राम है उसकी टर्म एंड कंडीशन को मैच करना चाहिए। दूसरा, कि आपको साइन अप करना पड़ेगा गूगल एडसेंस में। और तीसरा, आपका चैनल अंडर रिव्यू में चला जाएगा, यानी कि गेट रिव्यू में चला जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे है स्टार्ट का क्लिक, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये बोला कि 18 साल से नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, ये सब आपको मैच होना चाहिए। उसके बाद नीचे हमें जाना पड़ेगा। यहां पे लिखा है I accept the YouTube partner program, इस पे आपको क्लिक कर दीजिए और यहां पे accept terms पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे डन हो चुका है। बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। स्टार्ट करते ही ये बोलेगा कि हम गूगल एडसेंस में आपको साइन अप करने वाले हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो स्टार्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। यहां पे समझने वाली बात है, अगर आपके पास पहले से ही एडसेंस बना हुआ है तो यहां पे आप अटैच कर सकते हो इस पे क्लिक करके, यस पे, यस आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपके पास नहीं है तो यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पे आप क्लिक कर लीजिए और यहां पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बोलेगा कि जो आपकी ईमेल आईडी है वो कौन सी है, यहां पे अपनी ईमेल आईडी चूज करनी है, तो ये है हमारी ईमेल आईडी, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा, आपको यहां पे नो पे क्लिक कर देना है और यहां पे चूज करना है आपको सिलेक्ट योर कंट्री, इस पे क्लिक कर देना है और यहां पे हमें अपनी कंट्री को चूज करना है। अगर आपकी कोई दूसरी कंट्री है उसको चूज कर सकते हैं, तो हमारी जो कंट्री है वो इंडिया है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए और नीचे आपको जाना है। और अब आपको थोड़ा सा और नीचे करना है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे लिखा है यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। आप चाहो तो एग्रीमेंट को पढ़ सकते हो, नहीं तो यहां पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। याद रखने वाली बात है कि आपको ये देख लेना है कि 18 से ऊपर आपकी एज हो चुकी है या नहीं, क्योंकि 18 से ऊपर ये लेता है, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको यहां पे नीचे करना है। उसके बाद यहां पे याद रखने वाली बात है, कई सारे यहां पे बिजनेस अकाउंट देते हैं, तो यहां पे आपको इंडिविजुअल देना है। बिजनेस अकाउंट का मतलब है अगर आप अपनी कंपनी के नाम से अकाउंट बनाना चाहते हैं तब यहां पे बिजनेस आता है, नहीं तो यहां पे इंडिविजुअल मतलब किसी इंसान का आता है यहां पे। तो यहां पे जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं वो नाम यहां पे आप डाल सकते हैं।
अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जिस नाम से भी आप एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम पे उसका नाम डालिए, फिर एड्रेस डालिए, याद रखिए जो डॉक्यूमेंट में है उसी के हिसाब से आप डालिए, और यहाँ पे फिर सिटी डालिए, और यहाँ पे पोस्टल कोड डालिए, और यहाँ पे स्टेट डालिए किस स्टेट में रहते हैं, किस राज्य में आप रहते हैं, और नीचे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिफ्रेश हो रहा है, और यहाँ पे यस आप देख सकते हो ये डन हो चुका है, और यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन प्रोग्रेस लिखा है, और लिखा है योर एडसेंस अकाउंट इज बीइंग क्रिएटेड और लिंक्ड, मतलब ये क्रिएटेड हो चुका है और लिंक भी हो चुका है। दिस कैन टेक ए फ्यू आवर्स, इसका मतलब है कि कुछ घंटों का टाइम लग सकता है, तो आप इसको वेट कर लीजिए। तो हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों पूरे 8 घंटे के बाद में मैंने लैपटॉप को दोबारा से ओपन किया, और अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस पे। जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो स्टेप 1 डन हो चुका है, स्टेप 2 डन हो चुका है। अगर ये दोनों डन हो चुका है इसका मतलब है यहां तक आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो बन चुका है, और अब आपका यहां पे आप देख सकते हो ये गेट रिव्यू में है, यानी कि आपका चैनल अंडर रिव्यू में पहुंच गया है। अब यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि क्या हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट बना है या नहीं बना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। और तो यहाँ पे googleadsense.com लिखेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका गूगल एडसेंस अकाउंट बन चुका है सक्सेसफुली। तो अब हमें वेट करना है मोनेटाइजेशन अप्रूव कब होगा। जैसे अप्रूव हो जाएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी और इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, ये कुछ पूछना है, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हमें टैग करके कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए लिंक पे आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा। दोस्तों यहां पे मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।